22 एंड 47 फीट का हाउस प्लान डिज़ाइन, 22 फीट 0 इंच, 47 फीट 0 इंच, ओके। टू इंटू 47 फीट। तो इस प्लान को स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो आउटसाइड वॉल हम ऐसे हाईलाइट करेंगे और इसका जो विंडो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो डोर विंडो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो बिल्डिंग का और घर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हम यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ विंडो इधर रखेंगे और यहाँ पर भी हम विंडो रखेंगे, इधर ऐसे रहेगा। उसके बाद इधर ऐसे इंटरनल पार्टीशन वॉल और आउटर पार्टीशन वॉल हमने 5 इंच प्रोवाइड किया है, और आपको अगर आउटसाइड में 10 इंच या 9 इंच का वॉल प्रोवाइड करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे हम रखेंगे, इधर भी ऐसे प्रोवाइड करेंगे, उसका पीछे में हम विंडो रखेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है विंडो या साइड में कोई ब्लॉक है साइड, तो अब उस साइड में आप डार्ट का पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो विंडो यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है वेंटिलेटर, ठीक है, और इधर वेंटिलेटर विंडो 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 इधर विंडो प्रोवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए डोर, यहाँ पर भी गेट, मेन गेट, डोर, डोर, यहाँ पर डोर, इधर भी डोर, इधर डोर, ठीक है। तो तर आप इधर शॉप फ्रंट में एक शॉप यहाँ पर कार पार्किंग एंड यहाँ पर मेन एंट्री, ओके, यहाँ पर आपको शटर रहेगा, ओके, यहाँ पर क्लोजेबल गेट, यहाँ पर भी आपको शटर रहेगा, गेट एंट्री, तो शॉप एरिया, कार पार्किंग एरिया। तो इसका एरिया कितना है देखिए, यहाँ पर जो हमने दिखाएंगे अभी नाइन फीट जीरो इंच, थर्टीन फीट वन इंच, इधर इलेवन फीट नाइन इंच, थर्टीन फीट वन इंच, ओके। तो उसके बाद इधर जाएंगे, यहाँ पर एक ड्राइंग, यहाँ पर डाइनिंग, इसका लेंथ या वाइड 8 फीट 9 इंच, टोटल लेंथ 24 फीट 5 इंच, ओके, टोटल लेंथ इसका, और इसका इधर
तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्टेयर है, यहाँ पर स्टेयर एरिया, ओके, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, डिस्टेंस इधर जो बेडरूम है 12 फीट एंड इधर 11 फीट, ओके। स्टेयर एरिया यहाँ पर जो है देखिए 3 फीट, ओके, और इधर जो है 6 फीट 8 इंच इधर, 6 फीट 8 इंच इधर, ओके, और इधर जो है इसका 7 फीट इधर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर और एक बेडरूम, बेडरूम 2 बेडरूम के साथ 1 शॉप, कार पार्किंग, ठीक है। यहाँ पर किचन, यहाँ पर बाथ एंड यहाँ पर लैट्रिन, यहाँ पर 3 फीट वाइड पैसेज, यहाँ पर वॉश एरिया, तो बेडरूम यहाँ पर भी 12 फीट 9 फीट 7 इंच वाइड, ओके। यहाँ पर जो है 5 फीट 10 इंच, ओके, और इधर जो है 8 फीट, और इधर देखिए 4 फीट वाइड और इधर जो लेंथ 6 फीट 7 इंच, यहाँ पर 4 फीट 6 इंच। बाकी इधर रहेगा कार पार्किंग एरिया, इसको हमने यहाँ पर कर दिया है कंप्लीट, ओके, ऐसे। और उसके बाद देखिए इसका टोटल जो स्क्वायर फीट करने से पहले हम इसका जो कॉलम यहाँ पर ऐसे हम पहले कॉलम एरिया यहाँ पर सेट करेंगे, ओके, ऐसे देखिए इधर। अगर हो सके तो आप ऐसे भी कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद इधर ऐसे करके आपको इधर जो है ऐसे रहेगा, ठीक है, कॉलम। तो इसका जो आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, इनसाइड में 5 इंच वॉल। तो इसमें क्या क्या मिला है आपको देखिए, हम यहाँ पर डिटेलिंग पर लिख देते हैं। 2 बेडरूम, 1 शॉप, 1 कार पार्किंग, कॉलम एरिया 10 इंटू 10 इंच, 1 कार पार्किंग, स्टेयर प्लस ड्राइंग, डाइनिंग, ओके, यहाँ पर किचन, बाथरूम प्लस लैट्रिन, ओके, ऐसे आपको यहाँ पर ये जो प्लान है इसमें यही चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। इसका टोटल स्क्वायर फीट आएगा कितना आपका, 1034 स्क्वायर फीट, ओके। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कॉस्ट कितना आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट यहाँ पर खर्चा जो आएगा 20 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो, ड्राइंग पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, ड्राइंग में कुछ चेंज करना है, ऐड करना है, आप कर सकते हैं।